खत्म होने वाला है बिग बॉस 13 का द्वंद, और देखते हैं यहाँ पे इतनी गर्मी देखी जा रही है लोगों में, ये अपना गेम ही बना चुके हैं आसिम और सिद्धार्थ के बीच में। आप किसको सपोर्ट करते हैं? सलमान खान को। हम तो सपना चौधरी को सपोर्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल फोक ट्यूब इंडिया में। आज हम जानेंगे बिग बॉस सीजन 13 के बारे में। आपको भी पता ही है कि नाम से ही 13 बहुत टेढ़ा है। आइए हम जानते हैं कि हमारी जो आम जनता है, खासकर की यूथ, बिग बॉस 13 के बारे में क्या राय रखती है, कौन जीतने वाला है, कौन निकलने वाला है। बिग बॉस सिर्फ एक ही इंसान जीतने वाला है और वो है सिद्धार्थ शुक्ला, क्योंकि वो सबसे नेचुरल पर्सन है इस घर में। उसका जो एंगर है या फिर उसकी जो नेचुरल जो मिमिक्री होती है या फिर किसी भी तरीके से वो जिस तरीके से हर के साथ कनेक्शन है उनका, तो मुझे तो लगता है सिद्धार्थ शुक्ला जीते। शहनाज बेसिकली एक एंटरटेनमेंट पैकेज है जो पूरे टाइम बिग बॉस में शुरू से लेकर अंत तक उनकी ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो जैसे ही उनके निकलने की बात आती है या फिर उन्हें थोड़ा एलिमिनेशन में वो जाती हैं तो ऑडियंस में भी आप देख सकते हैं एक तरीके का एक मायूसी सी आ जाती है, क्योंकि कभी कभी सलमान खान शो में शहनाज को एविक्ट करने का एक मतलब नाटक सा कर लेते हैं तो सब लोग काफ़ी मायूस हो जाते हैं। तो ऑडियंस पे तो शहनाज का बेसिकली ये फैन बेस है, सब कुछ है, एंटरटेनमेंट है, वो लास्ट तक जाएंगी। ये बात भी सही है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ स्टेज तक जाएंगी, पर हाथ सिद्धार्थ शुक्ला का ही उठेगा, बस उनको वो एंटरटेनमेंट तक ही ठीक है। आरती बस एक साइड छोटा बॉम है जो कभी कभी फूटती है, कभी कभी फिर साइड में वो बैठी रहती है, वो फेस्टिवल वाइज आती हैं शो में, ऐसा नहीं है उनका कुछ नहीं है। आसिम रियाज वो इरिटेटिंग पैकेज है, जैसे शहनाज एंटरटेनमेंट पैकेज है, आसिम इरिटेटिंग पैकेज है जस्ट। रश्मि भी काफ़ी एक बहू कैरेक्टर होता है घर में, कोई एक बहू होती है, माँ काइंड ऑफ कैरेक्टर होती है वो है अभी, क्योंकि वो अपने पर्सनल लाइफ से ही काफ़ी ज़्यादा वो हो रही है, तो उनकी पर्सनल लाइफ का भी काफ़ी ज़्यादा टेलीविज़न पे खुल चुका है, तो वो कंटेंट है, वो ऑडियंस को बस थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है उनके साथ भी। माहिरा द मसला गर्ल, यस, माहिरा का भी बहुत ही बदतमीज़ है जैसा कि रश्मि कहती हैं, और ये बात सच है, वो कभी भी किसी से सही तरीके से बात नहीं करती हैं अगर आप ध्यान से देखें तो, और उसके बाद चिल्लाकर वो सबका सपोर्ट ले लेती है, जैसा कि वो आसिम के लिए कहती हैं कि वो सिंपथी मांगती हैं, ऐसा नहीं है, माहिरा सिंपथी मांगती हैं, चिल्ला चिल्ला कर मांगती है और उनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कान में चुभती है। पारस छावड़ा काफ़ी अच्छा खेल रहे थे वो, पर जब वो बार बार कहते हैं कि मुझे सब पता है, मुझे गेम पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गेम से बिल्कुल हटके लगते हैं, ये बात बोलनी नहीं चाहिए, उन्हें करके दिखानी चाहिए थी, तो शुरू में वो करने की कोशिश कर रहे थे, पर गेम ऐसा क्या जब आपका सब कुछ खुल ही जाए कि आप कर क्या रहे हो तो सब कुछ आप बता ही रहे हो, तो पारस छावड़ा का भी वैसा कुछ नहीं है, वो बस एक पैकेज है जो अपने शो में बस उनका एक माइनर सा कंट्रीब्यूशन था, अब वो भी नहीं दिख रहा है, तो पारस छाबड़ा गेम में कहीं दिखते भी नहीं है मुझे। इस बार जो कंटेस्टेंट हैं उनमें जो है वो जीतने वालों में मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला जो है प्रबल दावेदार हैं, और हो सकता है आसिम रियाज भी जीते क्योंकि वो भी रेस में बने हुए हैं अभी तक। मैं आसिम को इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि अगर हम और सेलिब्रिटीज़ की कंपैरिजन करें तो आसिम के पास कोई इतना बड़ा नाम नहीं था, पर जैसे ही वो बिग बॉस में आए उन्होंने अपनी जर्नी में इतना कुछ नाम कमाया है, वो सेलिब्रिटी के सामने आके खड़े हो चुके हैं, और अगर मैं बात करूँ विनिंग की तो डेफिनेटली उनके सामने अगर कोई कंटेंडर खड़ा होगा तो सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि को मैं देखता हूँ। जैसे कि पता है आपको भी कि बिग बॉस 13 बहुत टेढ़ा जा रहा है, तो आपके हिसाब से बिग बॉस 13 कौन जीतने वाला है? वैसे तो मुझे शहनाज पसंद है, बट मुझे तो ये लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला ही जीतेगा। अच्छा, तो इनके हिसाब से भी सिद्धार्थ शुक्ला जीतने वाले हैं। आइए आगे लोगों से बात करके जानते हैं कि कौन जीतने वाला है। वो कश्मीर से आए हुए हैं और उनका कोई ज़्यादा नाम नहीं था, बाकी जो भी कंसिस्टेंट है जैसे सिद्धार्थ हैं, शहनाज हैं, इनके पहले नाम थे लेकिन आसिम का कोई भी नाम नहीं था, और उस स्टेज से यहाँ तक पहुँचना, इतना पोक करने के बाद लोगों के बाद भी यहाँ तक पहुँचना ये बड़ी बात है, इसलिए मैं आसिम रियाज को सपोर्ट करता हूँ, वो कहीं ना कहीं वो सही भी हैं। पारस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो दिखाते बहुत कुछ हैं कि उनके पास ये है वो है, पर अगर असलियत में देखेंगे तो उनके पास वो चीज़ें नहीं है, जैसे सलमान खान ने भी बोला था कि पारस आपके पास ये सब चीज़ें हैं नहीं, उनको गेम स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है पर वो फूट डालते हैं, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि मैंने सिद्धार्थ और आसिम के बीच में वो चेला वाली बात डाली ताकि आसिम का ईगो हर्ट हो और वो वैसे हो, तो पारस ये करते हैं,
गेम स्ट्रेटजी अच्छी है पर डिजर्विंग नहीं है पारस। आपके हिसाब से बिग बॉस 13 कौन जीतने वाला है? मेरे हिसाब से सिद्धार्थ शुक्ला माय फेमस। तो मुझे लगता है कि इस बार विनर में मतलब टॉप फोर में तो ऑब्वियसली बात है सिद्धार्थ, रश्मि और सहनाज और आसिम हैं, पर पूरी तरह से इस शो में रश्मि को इन्वॉल्व कर दिया गया है, मतलब उसकी पर्सनल लाइफ को, तो मुझे लगता है कि शायद रश्मि ही विनर बनेगी। बिग बॉस 13 का क्रेज सिर्फ ना बड़ों तक सीमित नहीं रह गया है, बच्चे बच्चे भी जानते हैं बिग बॉस 13 में कौन जीतने वाला है। ये हमारे साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे आइए जानते हैं इनसे। आप लोग बताइए, आप लोग बिग बॉस 13 में किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं? मैं तो आसिम को जीतते हुए आसिम आसिम आसिम। और आपको बिग बॉस 13 में क्या पसंद आता है? लड़ाई, मेरे को तो लड़ाई अच्छी लगती है, लड़ाई। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि इन्हें आसिम को जिता लो और इन्हें बिग बॉस 13 में सबसे अच्छी लड़ाई लगती है, आपको क्या लगता है बिग बॉस 13 कौन जीतेगा? सिद्धार्थ। आसिम, आसिम के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी। हाँ, वो खेल अच्छा रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, बट हाँ वही बात है कि विनर फेस वो नहीं है। एंड आई एम सपोर्टिंग सिद्धार्थ शुक्ला, वो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है। हाँ, जैसा कि कहा जाता है कि उसका टेम्परमेंट बहुत ज़्यादा हाई है, बट उस घर में आप इतने दिन से बिना किसी अपने अपनों के रह रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और सब कुछ उस बीच में जाके कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है और आपका मेंटल स्टेट उस लेवल पर नहीं रहता। शहनाज, आरती की भाभी आई थी, उन्होंने एक वर्ड कहा था, फेक नाज। शी इज़ सो राइट, वो सच में फेक नाज हैं, उनकी ओवर एक्टिंग बहुत ज़्यादा है। इतना बचपना किसी में नहीं होता, बचपना हर एक में होता है बट इतना नहीं होता कि हाँ हर चीज़ में इतना ज़्यादा हाथ पैर पटकना जैसे एक 2 साल का 3 साल का बच्चा करता है। सो इट्स रियली अ फेक नाज। आरती थोड़ी सी शेल में ज़्यादा रहती थी पहले, बट हाँ अब निकल के आई है, बट एक विनर के उससे देखा जाए तो शी इज़ नॉट ऑफ विनर फेस। अगर आप एक विनर के फेस की बात करें तो वो विनर के फेस नहीं है। हाँ, बट शी इज़ गुड इन गेम, उनको स्ट्रेटजीज आती हैं, वो कहाँ उनको बोलना है कहाँ नहीं बोलना उनको पता होता है। रश्मि टॉप टू में डेफिनेटली होगी, क्योंकि रश्मि जिस उसमें है, जैसी उसकी पॉपुलैरिटी है, उससे वो बहुत अच्छा खेल रही है, बैक बिचिंग बहुत ज़्यादा करती है, बट हाँ उसके फैंस शायद वही चीज़ लाइक कर रहे होंगे और उसके बारे में उसको वही मतलब उसको उनको अच्छा लगता होगा कि हाँ लाइक वो अपना पक्ष रख रही है कि हाँ वो सिद्धार्थ शुक्ला से क्यों। ऑल दो अब उसका सिद्धार्थ शुक्ला का रिश्ता ठीक हो गया है, बट स्टिल मायरा, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, उसके मसले मसले मसले, उसके इतने मसले होते हैं, उसको खुद नहीं पता है कि उसका मसला कौन सा और दूसरे का मसला कौन सा है, सबके मसलों में घुसी रहती है। आरती से ज़्यादा वो सबके मसलों में घुस जाती है, और पारस छाबड़ा की तो वो सबसे बड़ी फ़ैन है पारस छाबड़ा की। मेरी फेवरेट तो वैसे सहनाज है, बट सिद्धार्थ की इतनी ज़्यादा फ्रेंड फॉलोइंग है, तो आई थिंक चांसेस मुझे सिद्धार्थ की लग रही है, बट आगे का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी रश्मि का और सिद्धार्थ का भी कुछ अलग सीन चल रहा है, तो कुछ रोज़ का ड्रामा उसमें कुछ देखने को मिलता है, बाकी ट्विस्ट बहुत है, आगे देखते हैं क्या होता है। और आप? जी, मैं सहनाज गिल को सपोर्ट करती हूँ, एक्चुअली वो पंजाब की कैटरीना कैफ है, तो उसको मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है वो, अच्छा, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि वो ही जीते। हम आ चुके हैं एक यंग ब्यूटीफुल गैंग के पास, जिनके ओपिनियन के बारे में हम पूछेंगे। तो आप सब बिग बॉस देखते हैं? हाँ। आपको बिग बॉस 13 बहुत पसंद आ रहा है? हाँ। तो आप क्या बताएंगे कि मतलब आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है? मेरे हिसाब से शायद सहनाज। अच्छा, आपके हिसाब से? सहनाज। आपके आसिम? आप? आसिम। 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 तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सादा लोग ये बोल रहे हैं कि उनके हिसाब से आसिम जीतेगा, तो आपके हिसाब से आप कौन जीतने वाला है? सिद्धार्थ, पर वो स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, बट मेरे चांसेस है कि क्या पता सिद्धार्थ जीत जाए। तो इनके हिसाब से भी सिद्धार्थ जीतने वाला है, और कई लोगों के यहाँ पे हमारी मेजॉरिटी जो है वो आसिम का साथ दे रही है। देखते हैं इस बार का 13 सीजन कौन जीतता है।